हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। अगर आपके पास ये डिवाइस है वन प्लस का, तो मैं आपको इस डिवाइस में ये बताऊंगा कि आप भी अपने इस डिवाइस के जो कीबोर्ड है, जैसे कि यहाँ पे जो है सर्च वाला बॉक्स में मैं जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करने के लिए इस तरह से आऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है कीबोर्ड में जो है मेरा खुद का फोटो जो यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। सो इस तरह से आप भी इस कीबोर्ड में अपना जो भी फोटो सेट करना चाहते हैं या फिर किसी का भी फोटो सेट करना चाहते हैं, तो कैसे आप सेट कर सकते हैं इस कीबोर्ड में, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो गाइज, अगर आपके पास ये डिवाइस है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस जो है चैनल पे मैं इस फोन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इन फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं कि इसके के जो कीबोर्ड है यहाँ पे हम फोटो कैसे सेट कर सकते हैं, वो भी सेटिंग से। सो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह आना है, इस तरह से स्लाइड करना है, पूरा जो एप्लीकेशन रहता है वो आपको ओपन करना है इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड आ गया आपके सामने टाइपिंग करने के लिए, इसी पे आपको यहाँ पे एक सेटिंग वाला ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा, बस इसी सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस सेटिंग पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो अलग अलग वीडियो में मैं आपको डेली यहाँ पे बता दूंगा। सो अगर आप न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, अगर आपके पास जो है ये डिवाइस है तो। ओके, क्योंकि इस डिवाइस रिलेटेड ही मैं वीडियो लाते रहता हूँ चैनल पे, जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसे आप जरूर देख लेना, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो इसके लिए इस जो है अपना फोटो जो है सेट करने के लिए कीबोर्ड में, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थीम्स जो आपको देखने को मिलेगा, बस इसी पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डायनामिक कलर पे आपका जो है टिक लगा हुआ है, जो ऑलरेडी आपके कीबोर्ड में जो है कलर है। उसके साथ साथ अब यहाँ पे काफ़ी सारे कलर जो आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ से कोई भी कलर को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ से जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिर्फ उसी कलर पे आपको क्लिक कर लेना है और वो कलर पे जैसे ही क्लिक करोगे वो कलर वहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस पे आऊँगा, इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा और यही कलर जो है सेट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कलर जो देखने को मिल रहा है, ये सब भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे आऊंगा, यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा और इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह करके आप जो है जो भी कलर यूज करना चाहते हैं वो कलर आप यूज कर सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि खुद का फोटो अगर आप सेट करना चाहे इसे, तो कैसे आप इस थीम में आप सेट करके रख सकते हैं जो कीवर्ड है। इसके लिए यहाँ पे आपको माय थीम्स आपको देखने को मिल रहा है, इसी वाला बॉक्स पे आपको आना है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब क्या होगा कि आपके गैलरी जो है वो ओपन होकर आपको इस तरह से यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पर आना है, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं ये फोटो आपको यहाँ पे साइड में देखने को आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से करोगे, यहाँ पे ब्राइटनेस आप कम ज्यादा जो है आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फोटो अगर आप कम दिखाना है इस तरह से कर सकते हैं, ज्यादा दिखाना है तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है डन वाला ऑप्शन आपको जो है शो ऑफ हो रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से आएगा। अब जो है यहाँ से डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं, एंड अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही वो जो है इस तरह से सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे ओपन करूंगा, यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है, यहाँ पे मेरा जो है फोटो जो है वो भी आपको यहाँ पे इसी फोन के जो कीबोर्ड है वहाँ पे यहाँ पे सेट किया हुआ आपको शो ऑफ हो रहा है। सो गाइस, अगर आपके पास ये डिवाइस है तो इसी तरह से आप भी अपने डिवाइस में कीबोर्ड में अपना खुद का फोटो या फिर किसी का भी फोटो अपने पसंद से सेट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अगर आप फोटो सेट कर लिए हैं इस जगह पे, सो आप इसे रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे रिमूव करना भी सिखा देता हूँ। सो इसी तरह सेटिंग आ रहा है, सेटिंग पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थीम्स वाला ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। इसी पे आना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे ये जो है डायनामिक कलर, इस पे आप क्लिक करोगे इस तरह से, अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे अब आपका काम जो है यहाँ पे हो गया। मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसा था वैसा हो गया। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस फोन से रिलेटेड तो कमेंट आप जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।